रखें कि एक रात कहलाती है चांद रात, उससे अगले दिन ईद का दिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस चांद रात में अल्लाह की इबादत करे तो उस दिन, जिस दिन लोगों के कुलूब मर जाएंगे, इसका दिल जिंदा होगा। मतलब कहने का यह है कि चांद रात को अगर कोई शख्स इबादत करेगा तो बरोज़ क़यामत, जबकि सबके कुलूब इंतहाई परेशानी और नफ्सा नफसी के आलम में होंगे, वहाँ पर अल्लाह ताला इसको कल्बी इत्मीनान अता फरमाएगा और परेशानियों से महफूज फरमाएगा। अब हमारे यहाँ अमूमन चांद रात का तस्वीर होता है मार्केट्स में जाना और ख़रीदारी करना, रोडों से बाहर निकलना, और उस रात को हम अमूमन आज़ादी की रात तस्वीर करते हैं कि पूरे रमज़ान में इंतहाई पाबंदियाँ थीं और अब ये रात आज़ादी की आ गई और अगले दिन भी आज़ादी का होगा, तो अमूमन हम उसको गलत तरीके से उस रात को गुजारने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।